बोलो रामेश्वर नाथ की। आपको स्टैंड भी मिल जाएगा इस जगह पे, फलाल पम है उनके लिए, यहाँ पे फलाल का भी सुविधा किया गया है। सुंदर यहाँ पे बाबा भोले का जाएगा अंदर में, जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बमजी ब्लॉग में। और अभी हम यहाँ पे जो कंवरिया पथ में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेवा शिविर लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, उधर से जो कंवरिया लोग आते हैं वो आपको उधर सुल्तानगंज होते हुए आते हैं और इधर बाबाधाम की ओर चले जाते हैं। इसी जगह पर यहाँ पे एक सेवा शिविर लगा हुआ है, जो कि ये आप देख सकते हैं माता हिमरानी देवी निःशुल्क कंवरिया सेवा शिविर डाल्टनगंज। और ये बहुत ही दिनों से यहाँ पे सेवा लगा रहे हैं, 1998 से ही ये निरंतरन सेवा शिविर लगा रहे हैं। और ये दुमा बॉर्डर देवघर कंवरिया पथ में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आपको दुमा बॉर्डर से आगे आपको गिनती काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा दूर आने के बाद ये आपको सेवा शिविर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कावर रखने का स्टैंड है, और अंदर में आपको फलाल के लिए अलग व्यवस्था है, और जो बिना फलाल बम होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पे प्रोग्राम भी चलता है, और यहाँ पे आपको निःशुल्क दवा भी मिल जाएगा, यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी मिल जाएगा। सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे, तो ब्लॉग में से ही आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए यहां से हम आपको ले चलते हैं, और फिर आपको यहां का सारा कुछ दिखाते हैं, यहां पे कैसे यहां पे बम लोग को जो क्या सेवा मिल रही है और कैसे मिल रही है, सारा कुछ हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फलाल के लिए, यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं, यहाँ पे फलाल जो भी है, केला है, सेब है, मतलब बहुत सारे फल जो यहाँ पे है वो सारा कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं। ये फलाल के लिए व्यवस्था है। और इधर आप देख सकते हैं, जो फलाल करके नहीं आते, जो कि रास्ते में नमक चावल सारा कुछ खाते हुए आते हैं जो बम लोग, उन लोग के लिए यहाँ पे पूरी सब्जी और बहुत सारा व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये सारे बम को, जितने भी कंवरिया बम है, सबको यहाँ पे बुला के और इस सेवा शिविर का आनंद लेने के लिए सबको दिया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेवा भी किया जा रहा है। तो आप अगर कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हो तो इस जगह पे आप जरूर वेट कीजिएगा। शाम के टाइम में अगर आप आते हैं या फिर सुबह जब भी आते हैं, यहाँ पे हमेशा सेवा आपके लिए जारी रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स भी लगा के रखे हैं सेवा के लिए, यानी कि जो जितना भी आपको पीले शर्ट का जो गंजी वाला दिख रहा था, वो सेवा के लिए यहाँ पे शिविर लगा के रखे हैं, वो लोग आपकी हर सेवा करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्जर जो पॉइंट मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए पॉइंट कितने ज़्यादा संख्या में मिल जाएगा। और इधर आपको बेड भी मिल रहा है आराम करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भाई लोग जो है, ये लोग ही आपके सेवा में निरंतर रहेंगे। आपको जैसी सेवा चाहिए आपको वैसे यहाँ पे सेवा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है, यानी कि यहाँ पे हर शाम को ऐसे ही प्रोग्राम भी चलता है इस कंवरिया का सेवा शिविर में। तो इस जगह पर आपको आनंद ही आनंद मिलने वाला है, आराम तो मिलेगा ही और आनंद साथ में आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप हर जगह पर ऐसे ही सेवा शिविर में आप आराम से यहाँ पर डांस कर सकते हैं, और यहाँ पे झूम सकते हैं, यहाँ पे नाच सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको सारा कुछ खाने का भी व्यवस्था मिल जाएगा, और इधर आपको आराम से बैठने का भी व्यवस्था मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक शिव पार्वती का जो फोटो लगा के एक अच्छा तरीके से पंडाल में मूर्ति जो डिजाइन बना गया है मंदिर का, और यहाँ पे आप प्रणाम कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगरबत्ती दिखा सकते हैं, और यहाँ पे संध्या आरती भी होता है इस जगह पे। अगर आप शाम के टाइम में आते हो तो यहाँ पे आरती भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे यहाँ का जो व्यवस्था है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। और इधर से मैं आपको ले चलूँगा, इधर आपको दवा दिखाऊँगा, जहाँ पे निःशुल्क दवा का भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये हर शाम को इस जगह पे चलता है। ऐसे ही प्रोग्राम आप आराम से यहाँ पे वेट करके यहाँ पे प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। और बहुत सारे कंवरिया लोग जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग अपना जो बिस्तर लगा के और आराम करने की यहाँ पे सोच रहे हैं, और यहाँ पे बैठ भी गए हैं, यहीं पे आराम करेंगे ये लोग, और फिर चलेंगे यहाँ से बाबा धाम की ओर कंवरिया यात्रा में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको निःशुल्क सेवा शिविर जो यहाँ पे दवा का है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसी आपको दवा चाहिए वैसी आपको यहाँ पे दवा मिल जाएगा। और ये जो डाल्टनगंज का सेवा शिविर है, ये बहुत ही अच्छा सेवा शिविर है, इसमें आपको बहुत सारी सुविधा भी मिलती है इस जगह पर। तो आप इस जगह पर ज़रूर वेट कीजिएगा, यहाँ पर आके ज़रूर सेवा लीजिए यहाँ का। और बहुत लंबे चौड़े में इसका पंडाल भी बना हुआ है, यानी कि
बहुत ज़्यादा स्पेस भी है इस जगह पे, और आपको कंवरिया पद से बुला बुला के यहाँ पे सेवा दिया जाता है। तो आप यहाँ से इनकार ना करें, यहाँ का सेवा का आनंद जरूर लें। यहाँ पे सेवा का जो भी यहाँ पे व्यवस्था है सारा कुछ, आप यहाँ का सेवा शिविर का जो भी व्यवस्था है आप उसका आनंद जरूर लें, और यहाँ का जो सेवा दिया जा रहा है ये सेवा आप जरूर लें, क्योंकि बम को यहाँ पे देवभूमि में, देवघर में, देवभूमि यानी कि बम लोग को देव माना जाता है यहाँ पे, और सभी को सेवा किया जाता है इसी तरह पूरे कंवरिया पथ में। तो आप यहाँ पे आके जरूर यहाँ का सेवा का आनंद लें, क्योंकि कोई भी आपके आस में सेवा करने के लिए आपके लिए यहाँ पे शिविर बना के रखे हैं, तो आप इसे इनकार ना करें, यहाँ पे सेवा का आनंद आप जरूर लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।